हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और मैं दीपक सिंह, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पर। और मैं आज आपको ये वीवो V3 सेट है, ठीक है, जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसमें क्या है, बहुत लोगों को बहुत समस्या आ रही है, कंपनी से डिफ़ॉल्ट प्रॉब्लम आई है या अदरवाइज़ यूज़ करने के बाद ये प्रॉब्लम आती है कि इसमें बैटरी ड्रेनिंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है। तो इसका मैं आपको आज सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ, जो कि कुछ इंटरनल है, ठीक है, और बाकी हार्डवेयर सॉल्यूशंस अलग होते हैं, लेकिन कुछ बेसिक जो काम आप सब लोग कर सकते हैं और रियल रियली में किसी प्रकार से भ्रमित करने का कोई काम नहीं है, बेवकूफ़ बनाने का कोई काम नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। जो बताऊँगा बिल्कुल रियल बताऊँगा, और चैनल्स के लिए नहीं है कि ऐसा करो वो करो वो करो, ठीक है। सबसे पहले हमको इसको ओपन कर लेना है, ठीक है, और इसकी सेटिंग्स में हमको चले जाना है, ठीक है। आप मॉडल नंबर इसका देख सकते हो, ठीक है, अगर आप देखना चाहो तो, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वीवो का V3 है ये, ठीक है। इसकी सेटिंग्स में हमको जाना है, और ठीक है, ये स्टेटस बार एंड नोटिफिकेशन, इस पे जाना है हमको, ठीक है। इन पे सब पे हमको, जैसे ये बैटरी परसेंटेज है इसको रहने दें, ठीक है, और बाकी सब आइकन्स को बंद कर दें। नोटिफिकेशंस पे ये बैकग्राउंड में ये नोटिफिकेशन नहीं आना चाहिए, इन सभी को हमको क्या है, बंद कर देना है, ठीक है, इस तरीके से बंद कर देना है, ओके। फिर इसके बाद में, ठीक है, इस तरीके से सभी को वन बाय वन बंद करना है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। क्योंकि जो बैकग्राउंड एप्लीकेशंस होती है, जैसे हमारे म्यूज़िक हुए कुछ हो, बैकग्राउंड के बाद भी चलती हैं और हमारी बैटरी को यूज़ करती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इनको बंद कर लेना है, ठीक है। उसके बाद वन बाय वन आप इन सभी को बंद कर लेना, ठीक है। उसके बाद में हमको क्या करना है, उसके बाद में हमको वन बाय वन करना है। इसके बाद में मैं आपको एक ऐसा सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ जो शायद ही आपको कोई बताएगा, ठीक है। और विश्वास मानिए दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है, और आपको वो सभी समस्या होगा, ये सारी बंद होने के बाद में, नोटिफिकेशंस बंद करने के बाद में आपको एक काम करना है, इसको स्विच ऑफ कर लेना है, ठीक है, और डिस्प्ले की लाइट भी आपको इसकी कम कर लेनी है, ठीक है, जिससे बैटरी थोड़ा कम खाए, ठीक है, हाफ के समथिंग कर लेनी है, ठीक है। या तो आप फैलकॉन 530 का यूज़ कर लेना, ठीक है, देख सकते हो फैलकॉन 530 का यूज़ कर लेना, ठीक है, या आप किसी भी थिनर का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जो लिक्विड हो, या आप IP का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। इसमें हमको क्या करना है, ठीक है, तो ये चार्जिंग जैक आप देख रहे होगे, ठीक है, इस चार्जिंग जैक में क्या है, कभी कभी देखो डस्ट आ जाती है आपको, मैं बहुत जूमली दिखा रहा हूँ, ठीक है, इसमें डस्ट आ जाती है, ठीक है। तो इस डस्ट को क्या है, हमको क्लीन करना है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, थोड़ा सा थिनर को खोल लेना है, और उसको खोलने के बाद में, ठीक है, इस जैक के थोड़ा सा अंदर इस तरीके से डालना है, ठीक है, किसी चिमटे के माध्यम से भी आप इसको कर सकते हो, ठीक है। इस साइड से आप देखो, चिमटे के माध्यम से भी इसको साफ कर सकते हो, ठीक है। अब इस तरीके से धीरे धीरे इसको यहाँ से क्लीन करें, क्योंकि जैक की डस्ट के कारण भी कभी कभी हमारे को बैटरी ड्रेन की प्रॉब्लम भी झेलनी होती है, ठीक है। और ये जो नीचे वाला हिस्सा होता है, इसमें आप किसी बारीक पेपर का या लकड़ी का यूज़ कर सकते हो, जो इसके अंदर इजीली चला जाए, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से हमको ये क्लीन करना है, और इसको ढंग से वॉश भी कर लेना है, ठीक है, उल्टा करके इस तरीके से इसको वॉश भी कर लेना है, ठीक है। और इससे ये बेनिफिट होता है कि जो डस्ट होती है, जिसके कारण से मोबाइल में शॉर्टिंग आ जाती है इसके उसमें, तो क्या होता है, उस शॉर्टिंग के कारण से बैटरी कम खाता है, और उसके बाद में हम इसमें थोड़ा ब्रश का यूज़ कर सकते हैं, जिससे इसके जो पॉइंट्स होते हैं वो एकदम क्लीन हो जाए, ठीक है। और इसको दोस्तों कम से कम हमको 10-15 मिनट सूखने देना है, ठीक है, थोड़ा इसमें आप एयर मार सकते हो, ठीक है,
ठंडा ही है, ठीक है, और इसको उसके बाद ही स्टार्ट करें जिससे किसी प्रकार की कोई शॉर्टिंग की प्रॉब्लम ना हो। तो मैंने 100% केसों में देखा है कि बैटरी ड्रेन की प्रॉब्लम इस प्रकार के सॉल्यूशन से ख़त्म हो जाती है। बाकी इसके बाद इनेटेल ऑपरेशन होता है, जिसको हम ऑपरेशन रिपेयरिंग्स बोलते हैं, जिसको रिपेयरिंग लेवल 4 बोलते हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर भी मैं आपको वीडियो बनाऊंगा, अगर आप कहना चाहोगे बैटरी ड्रेन के ऊपर ऑल सॉल्यूशंस के बारे में। बाकी आप मेरे बेसिक्स की वीडियो सारी देखते रहिए, आपको डिस्क्रिप्शन पे मैं लिंक दे दूंगा, और रियली विश्वास मानिए आपको इस चैनल के माध्यम से वो कंप्लीट नॉलेज दी जाएगी जो आप लेना चाहते हैं और जो आप किसी चैनल के माध्यम से नहीं दी जा रही है, ठीक है, आप देख सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से जैक को हमको बिल्कुल क्लीन कर लेना है, ठीक है। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, और वीडियो अच्छी नहीं लगे तो इसको डिसलाइक भी करना, और कमेंट में लिखना जिस प्रकार के आपको जो वीडियो चाहिए, आपके कमेंट के हिसाब से ही मैं आपको वीडियो ज़रूर प्रोवाइड करवाऊंगा। और दोस्तों धन्यवाद, मोस्ट वेलकम, जय राम जी।